मुझे क्या करना है अभी, इसको मुझे पब्लिश करना है, ठीक है? पब्लिश करने के लिए हम लोग कौन सा आईपी यूज करते हैं, पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी? पब्लिक पब्लिक आईपी को क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट करता हूँ, जस्ट मुझे पेस्ट करना है, एंटर करता हूँ, कुछ भी दिखेगा नहीं, नहीं दिखेगा क्योंकि HTTP अपन ने निकाल दिया ऐसे, निकाल दिया HTTP, मतलब क्या क्या मैंने ट्रैफिक को डिनाई कर दिया है, मतलब अभी सर्वर वेब पेजेस ये किस में आते हैं, वेब पे HTTP आता है, HTTP ये क्या बोला, दिस साइट नॉट रीच, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे सेक्रेटरी ग्रुप में, ये डिलीट रूल देंगे, डिलीट हमने इसलिए किया क्योंकि आपको समझे कि एक्चुअली ट्रैफिक को अलाउ डिनाई कैसे होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से एड रूल करूंगा, जब कभी आपका ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, फिर सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करना है आपके, तो अगर वेब पेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करेंगे। अभी मैंने क्या किया, HTTP को ऐड किया, प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट मेरा AD आ गया, पोर्ट नंबर, एनी वे ट्रैफिक करना है और रूल को सेव करना है। रूल को सेव करने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश आ गया वेब पेज, यस सर, यस सर। अभी अभी क्या करो, आप लोग ये वाला पोर्ट नंबर अपने मोबाइल पे ट्राई कीजिए, सब लोग आता के देखो, अरे मैक ओएस में भी आएगा ना, वेब ब्राउजर जिसमें आएगा उसमें आएगा, बिल्कुल आएगा यार, हर एक पे आएगा, ये वेब ब्राउजर है ना हम लोग का वाला, सब लोग ट्राई कीजिए, 13.232.237.220। अभी ये तो मैंने अपने मशीन पे बनाया, मेरे मशीन पे बनाया, आपके मशीन में कैसे आ गया फिर, ये HTTP सर्वर पे गया ना सर, सर्वर पे गया, पब्लिक मैंने क्या किया, हाँ वेब सर्वर के थ्रू मैंने क्या किया, वर्चुअल मशीन में मेरा एक वेब पेज बना दिया, वो वेब पेज मैंने क्या किया, वेब सर्वर में डाल दिया, तो वर्चुअल मशीन में वो सर्वर लोकली वर्क हो रहा था, लोकली, पब्लिकली नहीं, वो पब्लिक होने के लिए मैंने क्या किया, उसका पब्लिक आईपी, वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी मैंने ब्राउज कर दिया, तो वो क्या हुआ, अभी पब्लिकली होस्ट हो गया। तो ये आप कहां से भी, जिधर अमेरिका में हो, लंदन में हो, कहां पे भी हो, अगर वो आईपी अगर यूज करते हैं, ये आईपी इंटरनेट ब्राउजर पे अगर वो आईपी डालते हैं, तो आपको ये सेम वेब पेज वहां पे भी डिस्प्ले होगा, यस सर। तो इसको बोलते डिप्लॉय, तो मैंने जो अभी किया HTML पेजेस को, उसको बोलते डिप्लॉय करना, और यही होता है DevOps इंजीनियर का काम, वेब पेजेस को डिप्लॉय करना। जैसे मैंने अभी ये सिंपल वे से किया, एक आपको एग्जांपल, ये अपना स्टार्टिंग स्टेज है सिंपल, ऐसे ही आपको DevOps के टूल यूज करके आपको वेब पेजेस को डिप्लॉय करना है, समझे क्या, आपको DevOps के टूल यूज करके आपको क्या करना है, वेब पेजेस को डिप्लॉय करना है। अभी यहाँ पे एक सिंगल वेब पेजेस था, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहां पे मल्टीपल भी फाइल्स हो सकती है, तो मल्टीपल फाइल अगर हम एक पेज फोल्डर में रखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मल्टीपल फाइल को कन्वर्ट करते हम लोग सिंगल फाइल में, जैसे कि वार एंड ईआर फाइल, और वो वार ईआर फाइल हम लोग ऐसे WWW रूट हो गया या फिर अपाचे का वेबएक्स फोल्डर है उसमें वो फाइल रख देंगे, उसमें फाइल रखने के बाद ऑटोमेटिकली आपने अपने पब्लिक आईपी लॉन्च किया तो आपका वेब पेजेस डिस्प्ले हो जाएगा, समझा। अभी मावेन के थ्रू बिल्ड करना मतलब क्या, मल्टीपल फाइल को सिंगल फाइल में कन्वर्ट करना, वार फाइल को डेवलप करना, डिप्लॉय करना मतलब क्या, आपके वेब पेजेस को ब्राउज करना या फिर डिप्लॉय करते हैं, आपके प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, समझा आपको ये, यस सर, यस सर, यस सर। अभी पता है, इसमें कोई डाउट है क्या अभी सर, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, जब आप सिक्योरिटी सर, ये सिक्योरिटी ग्रुप में जब आप हम ऐड करते HTTP हो गया या फिर SSH हो गया, वहाँ पे दो बार क्यों लिख के आ रहा है सर, SSH दो बार आ रहा है, HTML दो बार क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि उसमें हमने क्या किया, एनीवेयर आईपी बिफोर किया हमने, देखा आपने ऐसा एनीवेयर क्या, हमने एनीवेयर देखा ना ऐसे, एक मिनट,
यस सर। एनीवेयर ये जो ये देखो एचटीटीपी किधर गया एचटीटीपी ये जब हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तब हम लोग अगर वो डालते हैं तो यहाँ पे देखो ये आईपी वी फोर का आईपी ही है। अगर हम लोग मुझे फिर से मुझे एचटीटीपी करना है और मुझे वो आईपी वी सिक्स पे डालना है तो देखा आपने ये समझा दोनों में डिफरेंस क्या है सर IPv4 और IPv6 में IPv4 का ट्रैफिक है तो वो भी 6 का ट्रैफिक एडवांस है उससे ठीक है ओके वर्जन से बस नेक्स्ट वर्जन ठीक है सर। हेलो यूज करते हैं हां बोलिए सर हम माविन के थ्रू एक वार फाइल बनाएंगे और उसे रूट फोल्डर में प्लेस कर देंगे फॉर डिप्लॉयमेंट पर्पस बट हमने अगर मल्टीपल वार फाइल रूट फोल्डर में प्लेस कर दी तो आप वो स्लैश करके वो पर्टिकुलर नाम वार फाइल का नाम दोगे ना वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पब्लिक आईपी दिया है स्लैश करके को जो फाइल आपको रहेगा उसमें आप आपको मेंशन करना है वैसे जैसे कि सैंपल करके ऐसा होगा फिर वो ओके। और कोई डाउट है हेलो सर इंस्टेंस के बाहर आने के बाद का एक बार बताइए इंस्टेंस के बाहर जब हम आए ना हमारे कंसोल पे उसका कुछ नहीं मैंने सिलेक्ट किया और पब्लिक आईपी को फेच किया कॉपी किया एंड यहाँ पे फेच के पेस्ट किया दैट्स इट इतने किया और कुछ नहीं किया वो सिक्योरिटी ग्रुप अपडेट किया वो आरडीपी मैंने उसमें डाला है दैट्स इट उसमें और कुछ किया नहीं है सर कनेक्ट कर रिपीट किया सर कनेक्ट का हां कनेक्ट है थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना कनेक्ट का सिर्फ एक बार ये कनेक्ट कैसे करते हैं ये वाला सर वही कुछ नहीं आरडीपी क्लिक करो आप लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कनेक्ट यूजिंग आरडीपी होना चाहिए रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कीजिए उसके बाद ये गेट पासवर्ड कीजिए ये होने के बाद आपकी जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी एक मिनट सर ऑलरेडी आरडीपी फाइल डाउनलोड है तो उसको पासवर्ड जनरेट करने की जरूरत नहीं है ना अगर आपने चेंज किया तो फिर आपको फिर से करने पड़ते यहाँ पे फाइल को आप डबल क्लिक करोगे और ये इसको कनेक्ट बोलेंगे और कनेक्ट बोलने का आपको पासवर्ड पूछेगा वो पासवर्ड डाल देना उसमें फिर आपका ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा ये मशीन ओके सर ओके ओके सर पर सर ये आरडीपी फाइल सेपरेट रहता है क्या हर एक इंस्टेंस का क्या हर एक इंस्टेंस का आरडीपी फाइल सेपरेट रहता है ना आपने अगर इंस्टेंस टर्मिनेट किया और फिर से लॉन्च किया तो फिर सेपरेट होगा ना क्योंकि आपने अभी से जैसे कि आपने नहीं सर दो अगर सेकंड इंस्टेंस मैंने बनाया थर्ड इंस्टेंस बनाया और पहले की इंस्टेंस भी वैसे ही है तो सबका आरडीपी फाइल अलग अलग रहेगा ना अलग होगा ना क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है ना वो पूरा आप उसको कैसे पता चला कि आपने को क्या सिलेक्ट किया है वो आपका ये मैटर जो है आरडीपी फाइल में कन्वर्ट करते हैं उसी को आप हम लोग लॉन्च करते हैं ना लोकल मशीन पे क्या वो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट जो सैंपल टेक्स्ट में आपने किया ना क्या प्रोग्राम है वो थोड़ी हम बता सकते हैं ना वो तो सिंपल प्रोग्रामिंग है आपको आनी चाहिए उतनी प्रोग्रामिंग एक मिनट सर एट अ टाइम एक ही इंस्टेंस रन कर सकते हैं या नहीं दो तीन इंस्टेंस रन कर सकते हैं मल्टीपल मतलब सर अभी आपने जो ये वर्चुअल मशीन एक खोला था मतलब बहुत सारे भी हम खोल सकते हैं एक साथ कोई प्रॉब्लम नहीं ओके कितने प्रोग्राम है दैट्स इट H1 टैग दिया हाय वेलकम किया और ये बोला दैट्स इट इतना ही है सैंपल प्रोग्राम की तरह ही होता है क्या वैच डालने के बाद क्या क्या हाँ आप नेट से एक सैंपल फाइल ले सकते हो ना HTML का नेट से आप लोग सर सैंपल वो सेव करने के बाद में क्या किया आपने वो थोड़ा मिस हो गया टेक्स्ट फाइल बनाया मैंने और सेना आपको HTML से किया मैंने दैट्स इट सर एक क्वेश्चन था जैसे आपने अभी बस एक मतलब छोटा मैसेज टाइप करके वो लॉन्च किया अगर बड़ा कुछ होगा मतलब जैसे उसमें क्वांटिटी ज्यादा होगा तो जो HTML का कोड होगा वो सेम होगा
मतलब ये वो तो एचटीएमएल प्रोग्रामिंग हुई ना, आप नेट पे जाओ, वहाँ पे सैंपल एचटीएमएल फाइल डाउनलोड कीजिए, वो फाइल वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोडिंग इतना ही लगेगा? कोडिंग लगेगा ना, और ये तो दो फाइल लाइन के लिए हो गया ना कोडिंग ही है। एचटीएमएल कोडिंग तो अलग है ना, वो मैं जैसे आपको सैंपल दिखा रहा है, आप उसमें डीप एचटीएमएल कोडिंग कीजिए, आपको क्या करना है। लेकिन वैसे भी हम लोग को एचटीएमएल कोडिंग का हमें करना क्या है, डेवलपर वाले देखेंगे कोडिंग का। आगे जब जैसे बढ़ेंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, उसमें और फीचर ऐड होंगे, टूल्स ऐड होंगे, है ना। इतने सिंपल आपको डेवऑप्स में रनिंग करने के लिए एक सैंपल मैंने बोला आपको, ऐसे डिप्लॉयमेंट होता है। अभी मैं सबमिट कर देता हूं, ठीक है सर। एक बार सिक्योरिटी एक्सप्लेन कीजिए ना। सिक्योरिटी टिकट में क्या एक्सप्लेन करना है आपको? हाँ बोलिए, क्या आपको एक्सप्लेन, क्या करना है आपको एक्सप्लेन, बोलिए बोलिए। HTTP प्रोटोकॉल आपको आपने देखा अभी, अभी मैं HTTP प्रोटोकॉल ओपन नहीं किया था तो ट्रैफिक मेरा अटक गया था, मेरा वेब पेज डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। वो HTTP प्रोटोकॉल, ये SSH प्रोटोकॉल नहीं लगा तो क्यों चलेगा। RDP प्रोटोकॉल मैंने ओपन नहीं किया था तो मेरा रिमोट डेस्कटॉप जो फाइल है वो लॉन्च ही नहीं हो रहा था, तो उसके लिए RDP पोर्ट लगेगा, रिमोट डेस्कटॉप फाइल लगेगा उसके लिए, तो इसलिए RDP पोर्ट लगा मुझे। ये दो ही पोर्ट आपको लगते हैं, HTTP एंड RDP। ये SSH आपने किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अलाउ करोगे तो ही आपका ट्रैफिक अलाउ होगा, नहीं तो फिर आपका ट्रैफिक अलाउ होगा नहीं। सर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे? मेरा नहीं है, मैंने टर्मिनेट कर दिया इंस्टेंस। ठीक है, आप ट्राई करोगे फिर अभी इसको? पेमेंट किसी का ग्रुप में पेमेंट हो गया तो उसको पूरे की उतरे दे करके, तो वो उसका दे दीजिए। एक दो रुपए कट होते हैं बाद में, फिर दो तीन दिन के बाद फिर से आ जाते हैं रिटर्न। ओके सर, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग। हाँ बोलिए सर। मैंने अभी वर्चुअल मशीन बनाया तो मेरे वर्चुअल मशीन पे वो जो आपके मशीन पे दिखा था राइट में आईपी एड्रेस और ये वो नहीं दिख रहा मेरा मशीन पे। नहीं सर, दिख गया। नहीं मैंने बनाया अभी मेरे पीसी पे, दिखता है कभी कभी उसमें ना नीचे स्क्रॉल बार्स भी आते हैं। हाँ। डेस्कटॉप पे थोड़ा स्क्रॉल कर दो राइट में तो दिख जाएगा। ठीक सर। ये अकाउंट क्रिएट होने के बाद 24 आवर लगता है क्या इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए? नहीं वो मैक्सिमम टाइम तुरंत हो जाता है, बट मुझे ना मैं एक्सेस ही नहीं हो रहा है 24 आवर। मुझे ईमेल आया सर, एक्चुअली वो मुझे भी आया था कल, बट अब अगर आप वापस से जाके लॉगिन करोगे ना दो तीन बार उसके बाद वो इंस्टॉल हुआ मतलब दिखता है तुम्हारा। यस सर, ठीक है, हम लोग इतना इसका थ्योरी ले देते फिर, छोटा ही थ्योरी ज्यादा नहीं है, तो कल हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते फिर। ठीक है, अभी ये EBS वर्कर्स थ्योरी है। EBS दूसरा सर्विस, अभी हमने फर्स्ट सर्विस पढ़ा हमने ECS, AWS का पहला सर्विस था ECS, सेकंड सर्विस है EBS। उसका EBS का फुल फॉर्म है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। AWS का ये सेकंड सर्विस है EBS, देन नेक्स्ट वन AWS का स्टोरेज सर्विसेस में ये पहला सर्विस है EBS। AWS के पास स्टोरेज सर्विस कौन से है? S3 ये स्टोरेज सर्विसेज है, EFS ये स्टोरेज सर्विसेज है, और EBS ये एक स्टोरेज सर्विसेज है। इसमें से हमारा जो फर्स्ट है EBS, ये में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो EBS ये हमारा स्टोरेज सर्विसेज है। स्टोरेज मतलब क्या? यहाँ पे होता है ब्लॉक स्टोरेज, यहाँ पे होता है ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज मतलब एक सिंगल ब्लॉक में वो उसका स्टोरिंग करता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टोरिंग करता है, उसका टेंशन मत लो। देन नेक्स्ट वन, जो अभी हमने इंस्टेंस को क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट ये एक ब्लॉक
30 GB का एक ब्लॉक स्टोरेज ये इंस्टेंस को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अटैच हो जाता है, आपको फिर से अटैच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 30 GB से ज्यादा आपको अगर वॉल्यूम चाहिए या फिर स्टोरेज चाहिए तो आप लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज करके उसमें ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा 10 GB 20 GB भी आप लोग वॉल्यूम अटैच आपके इंस्टेंस को कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन, जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि ब्लॉक स्टोरेज, ये ब्लॉक में कैसे स्टोर होता है, जैसे कि अभी ये 10 MB का मेरा ब्लॉक है, ये मेरा 10 MB का ब्लॉक है, तो 10 MB के ब्लॉक में ये कैसे 1 MB ऐसे करते करते 1 MB ऐसे ब्लॉक में स्टोर हो जाता है। देन नेक्स्ट वन, अभी आपका समझे ब्लॉक है, ये आपका 10 MB का ब्लॉक है वॉल्यूम है, ये 10 MB के वॉल्यूम में ऐसे ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि 1 MB का डेटा है, ये 5 MB हो गया, ये हो गया 10 MB। तो 10 MB के 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक है मेरे पास, 1 MB, 1 MB, 1 MB, 5 MB, 5 MB, 5 MB, 5 MB, 5 MB के ब्लॉक है। ये ब्लॉक वाइज हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। देन नेक्स्ट वन, सेकंड थिंग, ये ब्लॉक में जो सेपरेट यूनिक एक एक ब्लॉक है, एवरी ब्लॉक विल डिफाइन यूनिक आइडेंटिफायर, एवरी ब्लॉक विल डिफाइन यूनिक आइडेंटिफायर नंबर, मतलब क्या, हर एक ब्लॉक को एक कुछ नंबर होता है जिसके थ्रू हम लोग वो ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं वो वॉल्यूम में। देन नेक्स्ट वन, ये जो स्टोरिंग एरिया है, जो डेटा हम लोग इसमें स्टोर करते हैं, उसके लिए SAN टेक्नोलॉजी लगता है, उसके लिए SAN मतलब क्या, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, आप लोग ये गूगल पे कर सकते हो। SAN होता क्या है, ये होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसके थ्रू या ये ब्लॉक में डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक वाइज स्टोर करते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक डायग्राम व्हाइट बोर्ड में कुछ आपको बता रहा हूं, एक ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, ब्लॉक को ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे 10 MB लिखा, लेकिन किसके थ्रू किया मैंने, ये पेंट के थ्रू किया, पेंट ये सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू मैंने किया। वैसे ही ये ब्लॉक में अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आपको SAN टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा, या आप नहीं करेंगे, ये सब बैकएंड में प्रोसेस होता है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस सब कुछ बैकएंड में होता है, आपको जस्ट मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये ब्लॉक स्टोरेज को हम ये डिक्स में बोल सकते हैं, डिक्स, लोकल डिक्स, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, डिक्स पेंटर जैसे, वैसे ये ब्लॉक होता है। ये ब्लॉक में 2-3 पॉइंट्स ही आप लोग याद में रखिए, AWS में ब्लॉक लेवल स्टोरेज ये होता है, वो है EBS वॉल्यूम। सेकंड थिंग, EBS वॉल्यूम को हम लोग इंस्टेंस को अटैच कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी अटैच होता है। नेक्स्ट वन, ब्लॉक स्टोरेज ये टेक्नोलॉजी है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन, ब्लॉक स्टोरेज में डेटा हम स्टोर करते हैं, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में डेटा को हम स्टोर करते हैं, और वो सेपरेट ब्लॉक को यूनिक आइडेंटिफायर नंबर भी होता है। नेक्स्ट वन, डेटा को ब्लॉक में स्टोर करने के लिए हम लोग SAN टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक में डेटा को स्टोर करते हैं। तो हम डीप में देखते हैं, Amazon Block Level Storage Solution use EC2 Cloud Service to store persistent data. अभी EBS volume एक 30 GB का instance को तो attach होता ही है,
आपको अगर उसका परसिस्टेंट वॉल्यूम बनाना है जैसे कि पेन ड्राइव, वैसे आप उसका परसिस्टेंट वॉल्यूम बना सकते हैं। जैसे कि मुझे 5 GB और लगेगा, देन नेक्स्ट मंथ मुझे 10 GB का डेटा लगेगा, वॉल्यूम लगेगा, लेकिन मुझे वो वॉल्यूम आज इंस्टेंस को लगाना है और कल फिर दूसरे इंस्टेंस को भी लगाना है, तो दैट टाइम विल क्रिएट परसिस्टेंट वॉल्यूम। देन नेक्स्ट वन, ब्लॉक स्टोरेज इज टेक्नोलॉजी यूज स्टोर डेटा ऑन क्लाउड बेस्ड एनवायरमेंट। ब्लॉक स्टोरेज टेक्नोलॉजी हम लोग हमने किसके लिए यूज किया, हमने डेटा को स्टोर करने के लिए इन क्लाउड, ऑन क्लाउड। ब्लॉक स्टोरेज ब्रेकअप स्मॉल ब्लॉक्स, जो बताया मैंने आपको, स्मॉल ब्लॉक में उसका डेटा ब्रेक होता है एंड वो ब्लॉक वो सेपरेट पीस होते हैं एंड सेपरेट पीस वो ब्लॉक को यूनिक आइडेंटिफायर नंबर अलोकेट होता है। क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ब्लॉक उसका, ये ब्लॉक किसका है, इसीलिए। और ये टेक्नोलॉजी वर्क होती है यूजिंग थ्रू सैंड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देन नेक्स्ट वन, इन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क अवेलेबल। अभी ये कंसेप्ट है ईबीएस का, ये क्या है, कंसेप्ट है ईबीएस का, ईबीएस ऐसे होता है, लेकिन इसमें भी टाइप्स है। ईबीएस का फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, इसमें भी टाइप्स है। आपको कौन सा टाइप चूज करना है वो भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, वी कैनॉट लॉन्च एनी इंस्टेंस विदाउट एनी डिस्क। ये क्राइटेरिया है, आप कोई भी इंस्टेंस को लॉन्च करते टाइम आपको ईबीएस वॉल्यूम लगाना ही पड़ेगा। अगर आप बोले कि नहीं मुझे ईबीएस वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो विदाउट ईबीएस वॉल्यूम हम लोग कोई भी इंस्टेंस को लॉन्च नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट एक इंस्टेंस को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक ईबीएस वॉल्यूम अटैच हो ही जाता है प्राइमरी पार्टीशन के लिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम तो वैसे आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है। देन अ थिंग रिगार्डिंग इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कैन ओनली अटैच मशीन विच इज इन सेम अवेबिलिटी जोन। आपके सेम अवेबिलिटी जोन में जो आपका वॉल्यूम है उसको ही आप अटैच कर सकते हो। ऐसा आप अगर आपने बोला कि नहीं मेरा एक ओहायो में मेरा एक इंस्टेंस है उसमें मुझे वॉल्यूम अटैच करना है, तो हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईबीएस आपका रीजन स्पेसिफिक सर्विस है। क्योंकि आप, मैं ये बोल रहा ना, ईबीएस इज अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस, तो आप क्या करेंगे, एक बैक साइड में एक पेज बनाओ, वहां पे मेंशन कर दो, ऐसे लिखते जाओ, EC2 इज अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस, ईबीएस इज अ रीजन स्पेसिफिक सर्विस। मतलब जब इंटरव्यू होगा तो आपको इजीली आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रीजन स्पेसिफिक है और कौन सा ग्लोबल सर्विस है। तो ईबीएस क्या ही है, ये रीजन स्पेसिफिक सर्विस है। तो सेम अवेलेबिलिटी जोन में आप जो इंस्टेंस करोगे उसमें ही आप डेटा को अटैच कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन, देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स आर अवेलेबल